हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन ऑफ बांसू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 6 के गणित विषय में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.3, जिसका एक क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 क्वेश्चन है जिसमें वर्ग की भुजा दी गई है और वर्ग की भुजा से हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इनको। जैसे मैं इसका एक भाग हल कर रहा हूं, जैसे बी भाग है, इसमें वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें, 14 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। बेटा आप लोगों को ये सूत्र जो भी आपको लिखाए गए हैं वो अच्छे से याद कर ले, अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। देखो बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अगर आपको सूत्र याद नहीं है। तो जो परिमाप से संबंधित क्वेश्चन सूत्र लिखवाए थे और जो क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र आपको लिखवाए गए हैं आपको सभी याद करने हैं। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी थी, 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। देखिए आपस में गुणा कर देंगे, 14 चौका 56, हासिल 5, 14 कब 14 और 5 19, तो कितना आ गया क्षेत्रफल, 196 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चनों को हल करने हैं। बाकी ए और सी, जैसे इसमें 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 तो 100 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, और इसका निकालोगे तो क्या जाएगा, 5 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आपका ए और सी भाग आपको शुरू को हल करना है, समझ गए। फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 आयत दिए गए हैं और उन तीनों आयतों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर, और उन तीनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें यह भी बताना है कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है और किस आयत का क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 क्या दी गई है कि देखिए 3 आयत दिए गए, 3 आयतों की विमाएं दी गई है कि 3 आयतों की विमाएं, 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। 3 आयत दिए गए और तीनों आयतों की हमें क्या दी गई है, विमाएं दी गई हैं। क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले आयत की है 9 मीटर व 6 मीटर, क्या है, 9 मीटर और 6 मीटर। फिर बात करते हैं दूसरे आयत की, तो दूसरे आयत की विमा है बी की 17 मीटर व 3 मीटर। ठीक, विमा का मतलब भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई। और तीसरा आयत है सी, उसकी विमाएं दे रखी हैं 4 मीटर व 14 मीटर। क्लियर, अब हमें तीनों आयतों का क्षेत्रफल निकालना है और फिर साथ साथ ये भी बताना है कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है और किस आयत का क्षेत्रफल कम है। तो हम चालू कर देते हैं जैसे पहले आयत से। देखिए हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए इसमें से विमाएं दे रखी, भुजाएं दे रखी है, किसी को भी आप लंबाई मान सकते हो, किसी को भी चौड़ाई। देखिए 9 मीटर लंबाई मान लेते हैं और 6 मीटर चौड़ाई, तो 9 6 के कितने हो जाएंगे, 54 वर्ग मीटर। तो आयत ए का क्षेत्रफल क्या आ गया, यहां पे क्या कर देते हैं, आयत ए और लिख लेंगे, आयत ए का क्षेत्रफल। क्लियर, कितना आ गया, 54। ठीक है,
यार ए ना भी लिखो तो सीधा डायरेक्ट लिख लेना, जैसे तू बी की बात करे तो बी में आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे सेम इसी तरीके से आयत का क्षेत्रफल, वही सूत्र अपना लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत बी में देखिए लंबाई कितनी है 70 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, 17 51, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 51 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, आपको बताया गया था। फिर बात करें आयत सी की, आयत सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत सी में क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र अपना वही है लंबाई गुणा चौड़ाई, और सी में लंबाई क्या है 4 मीटर गुणा 14 मीटर, तो 14 चौका 56 वर्ग मीटर। क्लियर? तो इस तरह से हमने तीनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। क्लियर है? बिल्कुल इजी है, देख भी सकते हैं, सूत्र लगाए हैं, मान रखे हैं और आपस में गुणा करके गुणनफल ज्ञात किया है। तो तीनों आयतों का क्षेत्रफल अब हमारे पास आ गया है। क्लियर? अब हमें इन तीनों आयतों का क्षेत्रफल को ये देखना है कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, किस आयत का क्षेत्रफल कम है। तो यहां पर देखेंगे सबसे अधिक में तो कौन आ रहा है, आयत सी, और सबसे कम में आयत बी। तो हम लिख देंगे आता है आयत सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक वे आयत बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। क्लियर? कह रहा था कि बी में हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई थी। क्लियर? और हमें बताना था तीनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आयत का तीनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें यह बताना था किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है और किस आयत का क्षेत्रफल कम है। तो तीनों का निकालने के बाद हमने यहां पे बता दिया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको रफ कर देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 50 मीटर लंबाई वाले, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार, इस आकार का ध्यान से देखना, आयताकार आयत के आकार का, तो आयत से संबंधित सूत्रों की बात होगी यहां पे। बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, कितना है 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, पहले वो देख लेते हैं। आयताकार बगीचा है, तो हमें क्लियर बात हो गई है किस आकार की बात होगी, आयत से संबंधित बात होगी। क्लियर? अब उसके हमें लंबाई दी गई है, और सेकंड की क्या चीज दिया गया है, क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने आपको इस सूत्र लिखवाए थे, तो सूत्र लिखाते समय मैंने आपको क्लियर बताया गया था, दो स्थितियां बताई थी कि यदि आयत का क्षेत्रफल दिया गया हो और आयत की लंबाई दी गई हो, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र था, क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो वही सूत्र का हम यहां पे प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए हल करते हैं इसको, पहले जो जो दिया गया है हमें क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 300 वर्ग मीटर। क्लियर? और आयताकार बगीचे की
लंबाई, लंबाई हमें कितनी दी है 50 मीटर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहां पे राइट कर दिया, लिख दिया है। अब हमें क्या निकालनी है, बगीचे की चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल हमारे पास है, लंबाई हमारे पास है, तो चौड़ाई के लिए क्या सूत्र बन जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई। देखिए क्षेत्रफल कितना है 300 वर्ग मीटर और लंबाई कितनी है 50। अब 300 में जब हम 50 की भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 6 बार, पूरी पूरी 6 बार भाग जाएगी। तो अतः हम क्या कह देंगे, अतः बगीचे की चौड़ाई कितनी है, बगीचे की चौड़ाई 6 मीटर है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा था। तो डियर स्टूडेंट, आप सारे सूत्र याद कीजिए और आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।